हेलो दोस्तों मेरा नाम है पीयूष सिंह और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था हम लोगों ने अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक पारिभाषिक शब्दावली छः पार्ट में इसके आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखा है उनकी स्टडी नहीं की है तो आप आसानी से कर सकते हैं कॉन्टिन्यू करने जा रहे हैं आज हम इसका सातवां पार्ट बट लास्ट टाइम जो मैंने सिक्स पार्ट आपसे डिस्कस किया था उसमें सबसे लास्ट में मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ वर्ड्स दिए थे कुछ वर्ड्स इंग्लिश के जो हिंदी में आपको मीनिंग बताना था कुछ हिंदी के जिनका आपको इंग्लिश रूप बताना था तो आइए चलते देखते हैं आपने कितने भी वर्ड वहाँ पे याद किए हैं कितने आपने ढूंढे हैं वर्ड्स वन बाय वन बात करते हैं सारे वर्ड्स की पहला वर्ड था कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब होता है किसी के संपर्क में रहना बातचीत करना किसी के लेकिन जो शुद्ध हिंदी इसके लिए आती है जो हिंदी रूप इसका पूछा जा सकता है आपसे वो है संप्रेषण ठीक है ना संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेट करना अब संप्रेषण कम्युनिकेशन में जो गैप आ जाता है मतलब बातचीत आपकी किसी से खत्म हो जाती है अगर वो कहलाता है कम्युनिकेशन गैप और इस गैप को अभाव बोला जाता है जहां बातचीत का अभाव हो जाता है तो अगर आप संप्रेषण के साथ अभाव को कंबाइन कर दें तो पूरा शब्द हमारा बनता है संप्रेषणा भाव तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन गैप को एक शब्द में अगर रिप्रेजेंट करना है तो संप्रेषण प्लस अभाव को अभाव को मिलाकर एक साथ यूज करिएगा संप्रेषणा भाव नेक्स्ट कम्युनिक कम्युनिक का मतलब होता है शासकीय सूचना सरकार की तरफ से जो सूचना आती है या विज्ञप्ति जिसको कहा जाता है जो भी रिपोर्ट बताई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं सूचनाएं दी जाती हैं वो आती हैं कम्युनिक उनको बोला जाता है अच्छा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सॉरी कम्यूटेशन है कम्यूटेशन वर्ड कम्युनिकेशन तो वहाँ हो गया कम्यूटेशन वर्ड है इसका मतलब होता है दंड के स्वरूप को हल्का करना या उसको परिवर्तित कर देना किसी पर्सन को, को कोई पनिशमेंट दिया गया देन उस पनिशमेंट में थोड़ी सी कटौती कर दी गई या उस परिवर्तन परिवर्तित करके उस दंड को बदल दिया गया That is actually called commutation. Commutation याद रखिएगा पनिशमेंट से रिलेटेड है थोड़ा सा उसको लाइट कर देना हल्का कर देना थोड़ी रियायत दे देना या उसको बदल देना दंड के रूप को बदल देना वो कहलाता है कम्यूटेशन कम्यूटेड लीव कम लीव का मतलब होता है परिणत विनिमय छुट्टी या परिवर्तित छुट्टी परिवर्तन करके छुट्टी लेना छुट्टी आपने ली उसको बाद में आपने उसको बदल लिया दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड लीव अब कम्यूटेड वर्ड आता है कम्यूटर से और ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटर उस पर्सन को बोलते हैं जो रोज किसी जगह की यात्रा करता है जैसे आप जब अपने घर से अपने ऑफिस जाओगे तो घर से ऑफिस ऑफिस से घर ये रोज की हमारी यात्रा होती है तो ऐसे दैनिक यात्री के लिए जो रोज यात्रा करते हैं चाहे आप ऑफिस से घर तक ही क्यों ना जाओ आपका बच्चा स्कूल तक जाता है तो वो सारे कंसिडर किए जाते हैं कम्यूटर कम्यूटर मतलब होता है रोज यात्रा करने वाले दैनिक यात्री अच्छा कंपैशन वर्ड मतलब होता है अनुकंपा अनुकंपा का मतलब होता है किसी की कृपा याद रखिएगा अनुकंपा मतलब किसी की कृपा किसी का स्नेह किसी का सपोर्ट ये आ जाता है कंपैशन में ठीक है ना सौहार्द को भी रिप्रेजेंट करता है हिंदी इसके लिए होती है अनुकंपा और कंपैशन से बना है कंपैशनेट और उसमें अलाउंस लगा दिया जाए तो अलाउंस का मतलब हमने पढ़ा था होता है भत्ता तो का मतलब निकलता है अनुकंपा भत्ता ठीक अनुकंपा कंपैशन भत्ता अलाउंस अच्छा नेक्स्ट वर्ड जो आता है कंपेंडियम कंपेंडियम वर्ड का मतलब होता है सार संग्रह संग्रह मतलब इकट्ठा करना सार मतलब निचोड़ किसी भी चीज का जो निचोड़ है उन सारे निचोड़ को एक जगह रखना एक जगह कंपाइल करना दैट इज कॉल्ड कंपेंडियम कंपेंडियम सार संग्रह को रिप्रेजेंट करता है देन कंपेंसेशन कम्पनसेशन कंपेंसेट करना मतलब अगर किसी का नुकसान हो गया है तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो आप भरपाई करते हो वो आ जाता है हमारा कॉम्पनसेशन में ठीक है ना तो इसके लिए जो वर्ड आते हैं हिंदी के वो है प्रतिपूर्ति बदले में आप जो पूरा करते हो उसको प्रतिकर मुआवजा क्षतिपूर्ति मुआवजा वर्ड इस सेंस में ज्यादा आपके काम आएगा यही है क्षतिपूर्ति ठीक है ना याद रखिएगा वर्ड रिप्रेजेंट करता है रखिएगाट करना मतलब नुकसान की भरपाई करने को ठीक है ना ये वर्ड है और ये वर्ड मैंने आपको हिंदी में दिया था मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया था जिसके लिए वर्ड आपको ये डिफाइन करने थे सार संग्रह के लिए कंपेनडियम अनुकंपा भत्ता और अनुकंपा दोनों के लिए कंपैशन ठीक है नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कॉम्पनसेटरी अलाउंस अब देखिए अलाउंस प्रतिपूरक भत्ता मतलब कॉम्पनसेटरी जाता है अलाउंस दिया जाता है वो आता है आपका प्रतिपूरक भत्ता या कॉम्पनसेटरी अलाउंस कंपिटेंस कंपिटेंस का मतलब होता है सक्षम क्षमता सामर्थ्य एबिलिटी आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसको रिप्रेजेंट करता है कंपिटेंस आपकी योग्यता को रिप्रेजेंट करता है ये competence. ठीक है ना अब competence और कम्पिटेंसेंट देखिए एक तो कम्पिटेंस एथॉरिटी अच्छा, सक्षम अधिकारी अथॉरिटी मतलब हो गया अधिकारी जिसके पास अधिकार है निर्णय लेने का जिसके पास अधिकार है किसी काम को करने का तो कंपिटेंट मतलब हो गया सक्षम और अथॉरिटी हमारे अधिकारी को रिप्रेजेंट करता है सक्षम अधिकारी ये हो गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या हो गया अधिकृत न्यायालय या अदालत हो गया तो अधिकृत अदालत के लिए आता है कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसको अधिकार है जिसके पास कुछ करने के लिए छूट है जिसको वो आता है कॉम्पिटेंट और चूंकि कोर्ट लगाया गया तो अदालत को रिप्रेजेंट करेगा अथॉरिटी लगा देंगे तो अधिकारी को रिप्रेजेंट करेगा अच्छा कंपाइल करना कंपाइल करना मतलब अगेन इकट्ठा करना है एक जगह संकलित करना अलग अलग जगह से आपने स्टोरी कलेक्ट की कहानियाँ उनको एक किताब में आपने अगर एक साथ रख दिया तो आपने उनको एक साथ कंपाइल कर दिया संकलन करना ये इसकी शुद्ध हिंदी है मतलब निकलता है कंपाइल करना या इकट्ठा करना एक साथ लाके रखना आगे हो सकता है आपको और भी इससे मिलता जुलता एक वर्ड दिखे दैट इज कंसॉलीडेट कंसॉलिडेट करना भी मतलब होता है इकट्ठा करना ठीक है ना सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक जगह कंपाइल करके रखे एक जगह इकट्ठा करके रखे तो कंसोलिडेट भी हो जाता है तो कंपाइलेशन यहां याद रखेगा संकलन को शो करता है अच्छा कंप्लेन करना शिकायत करना फरियाद करना ये इसके मीनिंग दिए कंप्लेन करना आपको पता भी है शिकायत करना ये इसकी शुद्ध हिंदी है देन कॉम्प्लीमेंट समादार कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है समाधार इसका एक्चुअली अब देखिए कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री दो तरह से एक ई वाला है और एक आई वाला है कॉम्प्लीमेंट जो समादार होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को पूरा करने वाला पूरक जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी होता है कोई चीज जिसके साथ कोई चीज लगा के पूरी करी जाए वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्स ठीक है ना और ये कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन करना किसी भी चीज को फॉलो करना कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसात्मक ये प्रशंसा करना वाला कॉम्प्लीमेंट है आई वाला कॉम्प्लीमेंट जब आप लगाते हैं तो सम्मानार्थ या प्रशंसात्मक किसी को जब आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं मतलब उसकी तारीफ करते हैं प्रशंसा करते हैं तब आता है आई वाला कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक पूरा करने वाला किसी चीज में कोई चीज़ ऐड करो वो चीज़ पूरी करने के लिए तो कह जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्स समाधान उसकी हिंदी होती है और कॉम्प्लीमेंट्स की मीनिंग समानार्थ प्रशंसात्मक याद रखिएगा प्रशंसा सम्मान तारीफ करने से रिलेटेड होते हैं ये वर्ड्स हमारे ठीक है ना तो so याद रखेंगे सारे के सारे वर्ड्स ये कंपाइलेशन स्पेशली अच्छा कम्पिटेंशियन पॉलीग्लॉट पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी जो एक से ज्यादा भाषाएं बोलता है यूज करता है जानकारी रखता है पॉलीग्लॉट और कॉम्पिटेंशियन का मतलब हो गया वो बाइबल से रिलेटेड क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है तो याद रखिएगा कॉम्पिटेंशियन पॉलीग्लॉट बहुभाषी बाइबल अलग अलग भाषाओं बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल बाइबल कंप्लाई कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ का पालन करना अनुपालन करना कुछ भी आप बोल सकते हैं किसी को आधार बनाकर उसके हिसाब से काम करना ये हो जाता है कंप्लाई एंड कंप्रेशन कंप्रेस करना किसी को दबाना हिंदी में शुद्ध वर्ड आता है इसके लिए संपीडन करना जैसे किसी गैस है उसको अगर आप संपीडित करके तरल फॉर्म में ले आते हैं एलपीजी जो हमारी है वो संपीडित करके कंप्रेस करके भरी जाती है तो वो आ जाती है कंप्रेशन ठीक है ना संपीडित करना दबाना उसको लिक्विफाई कर देना उसको बहुत ही ज्यादा संपीडित करना मतलब ही होता है दबाना ठीक है कंपल्सरी लिक्विडेशन लिक्विडेशन मतलब लिक्विड फलिक्विफाई करना एंड कंपल्सरी मतलब होता है अनिवार्य परिसमापन परिसमापन समापन से रिलेटेड है समाप्त करना मतलब खत्म कर देना अनिवार्य परिसमापन जरूरी है समाप्त करना ये कंप्यूटर फ्रेंडली अब देखिए यहां पे बड़ा गड़बड़ होता है कंप्यूटर फ्रेंडली का मतलब दिया हुआ है कंप्यूटर मित्र कंप्यूटर मित्र का मतलब ये नहीं है कि जो कंप्यूटर का मित्र हो जाए ठीक है ना इस सेंस में नहीं वो पर्सन जिसको कंप्यूटर पे काम करने का बहुत अच्छा ज्ञान होता है जो कंप्यूटर को हैंडल करने में बहुत कुशल हो कंप्यूटर चलाने में उसका इस्तेमाल करने में वो कहलाता है कंप्यूटर फ्रेंडली ठीक है ना तो कंप्यूटर मित्र का मतलब हुआ कंप्यूटर के साथ आसानी से एडजस्ट करने वाला तो याद रखिएगा कंप्यूटर फ्रेंडली का मतलब होता है कंप्यूटर मित्र हिंदी में बोला गया मित्र का मतलब ऐसे आपने फ्रेंड पढ़ा होगा तो बढ़िया फ्रेंड friend नहीं फ्रेंडली मतलब उसके उसको अच्छे से यूज इस्तेमाल करने वाला ठीक है ना जहां पर उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके जो पर्सन कंप्यूटर का वो अच्छा नेक्स्ट आता है कंसीट कंसीट का मतलब होता है विरोधाभास विरोधाभास का मतलब होता है दो स्टेटमेंट जो एक दूसरे के ही अपोजिट हैं अभी कुछ बोला आप उसके अपोजिट कुछ बात बोल रहे हैं वो कहलाता है विरोधाभास ठीक है ना विरोधाभास को कंसीट बोलते हैं देन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मतलब होता है संकल्पना किसी भी चीज की कल्पना आप करते हो उसके बारे में चीजें उसको मानना शुरू कर देते हो वो आता है संकल्पना या संप्रत्यय सम्प्रत्यय भी इसको कहा जाता है संकल्पना भी कहा जाता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मतलब होता है किसके किस चीज के ऊपर वो चीज बेस्ड है कोई एक्शन आपने किया है तो क्या मानकर आप कर रहे हो आपकी किस चीज को आपने अज्यूम करके किया है वो संकल्पना में आता है अच्छा कंसर्न का मतलब होता है रिलेटेड संबंधी या प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान शॉप को भी रिप्रेजेंट करता है दुकान या ऐसी जगह को भी रिप्रेजेंट करता है जहां कोई पर्सन व्यवसाय अपना करता है प्रतिष्ठान को रिप्रेजेंट करता है या संबंध को शो करता है ठीक है तो मीनिंग है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा अच्छा क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को दिस इज कंसेशन कंसेशन का मतलब होता है रियायत करना किसी को कोई छूट दे देना ठीक है ना किसी के ऊपर थोड़ा सा रहम करना कंसेशन रियायत रहम छूट कई सेंस में यूज होता है अच्छा कंसाइज करना कंसाइज करना अगेन किसी चीज को छोटा शॉर्ट कर देना दैट इज कॉल्ड संक्षिप्त पहले के वीडियोस अगर आप वॉच करोगे तो उसमें एक वर्ड आया था एवरेज एब्रिज करना अगेन मतलब होता है किसी चीज को शॉर्ट करना तो एवरेज का ही सुनौनी आप मान सकते हो कंसाइज को भी ठीक है ना कंसाइज ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली संक्षिप्त को कोई चीज बहुत बड़ी थी उसको आपने काट छाट कर छोटा कर दिया शॉर्ट में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो डिफाइन किए तो आपने उसको कंसाइज किया कंसाइज मतलब खाली मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए जो चीजें बनाई जाती है, वो. हैं वो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की बात करते हैं दैट इज कॉन्डेंस कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है शब्दों का आकार आदि क्रम सूचक अगेन आकार अधिक्रम सूचक मतलब किस उसकी एक सूची बनाना किसके अकॉर्डिंग आकार और क्रम के अकॉर्डिंग कौन सा अल्फाबेटिकली पहले कौन सा बाद में क्रम डिफाइन करने वाले सूचक के लिए यूज किया जाता है कंकॉर्डेंस अच्छा कॉन्क्यूबाइन कॉन्क्यूबाइन वर्ड आता है रखेल के लिए ठीक है ना अपनी जो आपकी वाइफ नहीं है ऐसी पर्टिकुलर गर्ल को अपने साथ रखना बिना मैरिज किए हुए दैट इज वर्ड कॉन्क्यूबाइन अच्छा कॉन्कर कॉन्कर मतलब होता है सहमत हो जाना किसी बात पर अग्री हो जाना तो कॉन्कर से ही बनता है कॉन्करेंस कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति जिस चीज के ऊपर दो लोग अग्री हो जाएं वो सहमति हो गई और इस प्रोसेस को सहमत हो जाने को कॉन्कर कहा जाता है देन कॉन्करेंट ऑडिट समवर्ती लेखा परीक्षा आप देखिए फिर से आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ऑडिट डिस्कस हम लोग इसको पहले कर चुके हैं लेखा परीक्षा होता है परीक्षा करना ये चेक करना कि जो ब्यौरा आपने दिया है आय व्यय का सही है कि नहीं परीक्षण करना अब कंकरेंट दिया हुआ है तो समवर्ती ये इसकी हिंदी हो जाएगी तो कंकरेंट ऑडिट मतलब समवर्ती लेखा परीक्षा कंडम करना कंडम करना किसी की निंदा करना किसी को बुरा भला करना अनुपयोगी बेकार बताना निंदा करना हो गया दंडनीय घोषित करना कि अगर आपने ये काम किया ये इतना गलत है कि करोगे तो आपको दंड मिलेगा तो ये सारी चीजें आ जाती हैं कंडम में ठीक है ना सो so, निंदा करना ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दंडनीय घोषित करना अनुपयोगी घोषित कर देना कई सारे इसका मीनिंग लिए जा सकते हैं अच्छा ये कंडेंसेशन कंडेंसेशन मतलब होता है कंडेंस अब देखिए ये वर्ड एक्चुअली आता है कंडेंस से कंडेंस मतलब होता है किसी चीज़ को घना बना देना जैसे वायु है आप उसको धीरे धीरे अभी दबाते चले जाओ संपीड़ित करने वाला जो वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इतना घना बना दो कि वो फॉर्म जो आपकी गैसी अवस्था थी गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए इतना घना कर देना किसी चीज़ को संघनन घना बनाना उसका द्रवण कर देना गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में ला देना दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ठीक है ना कंडेंस मतलब होता है घना कर देना ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना रिप्रेजेंट करता है संघनन को जलवाष्प है उसको जो आप ठंडा करते हो पानी में बदल जाती है पानी में बदलना द्रवण हो गया उसी को कंडेंसेशन मतलब है अच्छा कंडीशन मतलब हो गया शर्त या स्थिति किसी भी कंडीशन में ये काम नहीं हो सकता किसी भी शर्त में किसी भी हालात में परिस्थिति में स्थिति में ये काम नहीं हो सकता ये बोला जाता है तो कंडीशन वर्ड स्थिति या शर्त को रिप्रेजेंट करता है अच्छा या रेमिट, रेमिट और दोनों वर्ड रिप्रेजेंट मतलब किसी को माफ कर देना किसी ने गलती की उसके लिए उसको क्षमा कर देना कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था कंडक्ट मतलब होता है आचरण व्यवहार कार्य संचालन कार्य को करना प्रोसेस में लाना आचरण दिखाना व्यवहारिक बनाना करना ये आ जाता है हमारा कंडक्ट में ठीक है ना तो इस सारे के सारे वर्ड याद रखिएगा स्पेशली कंडोन है कंडीशन कंडेंसेशन है कंडेम हो गया और ये कंकरेंट ऑडिट ऑडिट वर्ड तो ऑफकोर्स कई बार मिला है लेखा परीक्षा इसको जरूर ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस मतलब हो गया सम्मेलन कॉन्फ्रेंस आपने सुना भी होगा कॉन्फ्रेंस होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं अपने अपने विचार जताते हैं बताते हैं फिर आप डिसाइड करते हो क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है सम्मेलन मतलब होता है बहुत सारे लोगों को एक जगह सम्मिलित करना उनके साथ चर्चा करना कन्फेशन कन्फेशन मतलब होता है स्वीकार करना कन्फेस करना अपराध का कन्फेशन कर लेना कन्फेशन मतलब होता है स्वीकार करना अपनी गलती को मान लेना अगेन संस्वीकृति इकबाल करना इकबालिया बयान संस्वीकृति विधि में भी इसको बोला जाता है मतलब कानून से रिलेटेड टर्म संस्वीकृति मतलब आप मान लेते हो किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेना स्वीकार करना यह कहलाता है कन्फेशन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास जब आप कोई चीज बहुत विश्वास के साथ कहते हो किसी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा श्योर होते हो तो वो आता है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंशियल अब देखिए कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंशियल अलग अलग है. कॉन्फिडेंशियल वर्ड रिप्रेजेंट करता है अंतरंग अंतरंग का मतलब होता है वो चीज़ें छुपा के रखनी है ठीक है ना सबको नहीं जतानी है गोपनीय ये दोनों हिंदी मीनिंग आपको याद रखने हैं कॉन्फिडेंशियल के लिए अंतरंग या फिर गोपनीय दोनों वर्ड कॉन्फिडेंशियल के सुनौरी में है या मीनिंग है हिंदी कन्फर्म करना किसी चीज़ को पुष्टि करना स्थाई बना देना कन्फर्म कर देना मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में सहमति दे देना किसी चीज़ को पक्का कर देना ठीक है एंड नेक्स्ट कन्फॉर्मिटी कन्फॉर्मिटी मतलब होता है अनुरूपता अनुरूपता मतलब होता है किसी के अनुसार किसी के उसी रूप के हिसाब से काम करना अनुरूपता देन कॉन्फिस्केट का मतलब होता है अधिहरण करना जब्त कर लेना जब्त करना कोई भी चीज, चीज अगर आपने अपने अधिकार में ले ली है जब्त कर ली है वर्ड आएगा कॉन्फिस्केट ठीक अब कॉन्फिस्केशन अगर बात की जाए कॉन्फिस्केट से ही बना है कॉन्फिस्केट का मतलब अधिहरण करना हो गया तो कॉन्फिस्केशन का मतलब अधिहरण या जब्ती इस प्रोसेस के लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वो होता है कॉन्फिस्केशन अधिहरण जब्ती दोनों में से कोई भी इसका मीनिंग लिया जा सकता है अच्छा कन्फॉर्मिटी कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कन्फॉर्मिटी का मतलब अनुरूपता या अनुसरण करना अनुसरण करना किसी चीज को फॉलो करना अनुरूपता उसी के हिसाब से काम करना याद रखिएगा कन्फॉर्मिटी अनुरूपता को रिप्रेजेंट करता है कन्फर्मिटी कन्फॉर्मिटी देख लीजिए दोनों वर्ड किसी के अनुरूप किसी के अनुसरण करना फॉलो करना मिलते जुलते वर्ड्स हैं सभी नेक्स्ट कॉन्जुगल राइट वैवाहिक अधिकार ठीक है ना कंजुगल वर्ड राइट अधिकार को शो करता है कॉन्जुगल वर्ड आपके विवाह से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है सो कॉन्जुगल राइट इज वैवाहिक अधिकार नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं कॉनेशन कोनेशन का मतलब होता है शब्द विन्यास अब शब्द विन्यास का मतलब क्या हुआ शब्द का जो रूप होता है ना उसको डिफाइन करना दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोनेशन शन का मतलब होता है शब्द के रूप जैसा शब्द है उसके अलग अलग फॉर्म कौन कौन से हैं उनको डिफाइन करना उसके अलग अलग रूपों को डिफाइन करना कॉनेशन देन कन्वेंस कन्वेंस का मतलब होता है मिली भगत मौन सहमति मौनानुकूलता अब देखिए मौन और अनुकूलता को मिलाकर बनाया गया ये वर्ड ठीक है ना विधि मतलब लॉ के हिसाब से टर्म डिफाइन किया जा रहा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिली भगत आपको पता है मिली भगत मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल हो जाना किसी कार्य में किसी अपराध में शामिल हो जाना कुछ क्रियाकलाप में शामिल हो जाना मौन सहमति मतलब आप शामिल नहीं हो लेकिन उसको होने दे रहे हो उस काम को होने देना इसके लिए आता है मौन सहमति या मौन अनुकूलता शांत रहकर आप उस चीज़ को सहमति दे रहे हैं बिना बोले कि मैं साथ हूं सहमति दे रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं चुप रह करके वो कहलाता है कन्विवेंस ठीक ना देन कोनोटेशन कोनोटेशन मतलब होता है निहितार्थ निहित अर्थ निहित मतलब होता है छुपा हुआ अर्थ मतलब आपको पता है उसका मतलब क्या होता है देन निहित अर्थ का मतलब होता है hidden meaning. जो भी उसका छुपा हुआ अर्थ है वो कहलाता है कोनोटेशन को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट कॉन्सेंगूनिटी कॉन्सेंगूनिटी का मतलब होता है खून का रिश्ता ब्लड रिलेशन जिसे हम बोलते हैं रक्त संबंध को शो करता है जितने भी आपके ब्लड रिलेटिव हैं, वो सब यहां पे इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे कॉन्सेंगे ठीक नेक्स्ट इज वर्ड कंसैंस अच्छा नेक्स्ट वर्ड आता है देखिए कॉन्शियस से बनाइए कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चैतन्य चेतना ये मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेकर के कितना ज्यादा चेते हुए हो मतलब अवेयर हो चैतन्य चेतना मतलब आप किसी चीज को कितना दिमाग से अच्छे तरीके से होश हवा के साथ सोच रहे हो याद रखिएगा ये आपकी जागरूकता को रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियस वर्ड से बना है कॉन्शियसनेस मतलब आप किसी चीज को लेकर के कितना जागरूक हो कितना समझदारी के साथ कोई काम कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्क्रिप्शन कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है अनिवार्य सैनिक भर्ती अब इसको डिस्क्राइब करने लायक कुछ नहीं है अनिवार्य मतलब कंपलसरी हो गया जरूरी है सैनिक की भर्ती करी जा रही है जिसमें आपको भर्ती होना जरूरी है वो आ जाएगी हमारी कॉन्स्क्रिप्शन देन कंजिकेटिव कंजिकेटिव का मतलब होता है एक के बाद लगातार दूसरा होना जहां एक खत्म हुआ उसके बाद दूसरा आ जाए तो लगातार क्रमिक क्रम से एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा कंजिकेटिव लगातार जैसे कोई बल्लेबाज है कॉमन लैंग्वेज में, मतलब तो अच्छा में सुनाई भी बहुत पड़ता है मीनिंग याद रखिएगा अच्छा कंसेंट स्वीकृति सहमति को रिप्रेजेंट करता है किसी काम को आप होने देते हो स्वीकार कर लेते हो अनुमति दे देते हो तो वो आता है कंसेंट में ठीक है ना कॉन्सिक्वेंटली ये बहुत अच्छा वर्ड है कॉन्सिक्वेंस से बना है जिसका मतलब निकलता है परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकला उसका आप देखिए फल स्वरूप दिया हुआ है यहां पे आप ये भी लिख सकते हो ठीक है ना रिजल्ट क्या निकला उसका परिणाम स्वरूप क्या नतीजा निकला ये शो करता है कॉन्सिक्वेंटली अच्छा कंसेंसस आम सहमति ये भी समझिएगा कंसेंसस का मतलब आम सहमति जो दिया है इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जितने लोग हैं ना वो सब सहमत हो जाए एक मत से रिप्रेजेंट कर दें सब लोग मिलजुल कर अपनी सहमति दे दें जिस बात पर सब लोग अग्री हो जाएं वो कंसेंसस कंसेंसस का मतलब याद रखिएगा कंसेंसस का मतलब आम सहमति होता है ऐसा पॉइंट जहां पर सब लोग अग्री हूं आम सहमति नेक्स्ट वर्ड्स की बात कर लेते हैं इसको जरूर याद रखिएगा परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली नेक्स्ट वर्ड इज कंसिडरेशन कंसिडर करना किसी चीज के ऊपर विचार करना तो विचार दिया हुआ है कंसाइनी कंसाइनी मतलब होता है प्रशिति कंसाइनी मतलब जिस पर्सन ने कोई भी चीज़ जिस पर्सन को आपने कोई चीज़ भेजी है वो होता है कंसाइनी जिसको कोई चीज़ कंसाइन किया है जिसको भी आप कोई चीज़ प्रेषण मतलब होता है भेजना जिसके पास कोई चीज़ भेज रहे हैं वो कंसाइनी और जो भेज रहा है पर्सन वो कंसाइनर कंसाइन करने वाला किसी को कोई काम देने वाला वो कंसाइनर प्रेषक भेजने वाला जिसके पास भेजा जा रहा है वो प्रेषिती और इस प्रोसेस को भेजने के काम को प्रेषण कहा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ये प्रेषण हो गया देन ये देख लीजिए अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कंसी इसका मतलब क्या होता है कंसाइलेशन का मतलब कंसाइलेशन मतलब होता है सुलह किसी भी बात का जो मुद्दा है उसको सुलझा लेना कोई शिकायत है उसको सुलझा लेना किसी बात पर सुलह मतलब उसका कुछ नतीजा निकाल लेना दैट इज कॉल्ड कंसीलेशन ठीक है ना कंसिलेशन कंसाइलेशन दोनों तरह से पढ़ा जाता है इसको कंसोलिडेट देखिए आ गया कंसोलिडेट अभी बोला था संचित करना इकट्ठा करना कंसोलिडेट करना कलेक्ट करना ये भी मीनिंग इसका अभी पढ़ा था हम लोगों ने है ना तो कंसोलिडेट मतलब होता है समेकित करना सं, हाँ समेकित हिंदी याद रखिएगा संचित करना कलेक्ट करना इकट्ठा करना ये सब इसके मीनिंग आते हैं ठीक है ना समेकित याद रखिएगा संचित करना इकट्ठा करना अच्छा कंसोलिडेट फंड संचित निधि अब कंसोलिडेट अभी पढ़ा संचित को रिप्रेजेंट करता है तो संचित निधि मतलब फंड जो हमारा पैसा होता है वो रिप्रेजेंट करता है तो फंड मतलब निधि को याद रखिएगा और कंसोलिडेट मतलब होता है संचित या स्वीकृत ठीक इकट्ठा किया होगा कंसोलिडेटेड मतलब समेकित अभिप्रादा समेकित मतलब होता है फिर से इकट्ठा करना कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बहुत कॉमन वर्ड है आपने सुना भी होगा संविधान और जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से रिलेटेड है वो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल So, constitutional और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों वर्ड याद रखिएगा संविधान संवैधानिक इसको रिप्रेजेंट करते हैं।, हैं फंड मतलब निधि याद रखना कंसोलिडेट समेकित करना संचित करना इसको रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट वर्ड्स की बात करें कंसल्टेंट कंसल्ट करना किसी से परामर्श सलाह लेना ठीक है ना किसी से उपाय पूछना ये सारी चीजें आती हैं कंसल्ट में तो कंसल्टेंट का मतलब होता है परामर्शदाता वो पर्सन जो आपको कंसल्ट करता है आप जिनको परामर्श देता है वो कंसल्टेशन परामर्श इस प्रक्रिया को कंसल्टेशन कहा जाता है अगेन कंज्यूमेशन कंज्यूमेशन का मतलब होता है सम्पूर्ण कंज्यूम कंज्यूम का एक मतलब होता है कोई चीज पूरा का पूरा निगल लेना कंज्यूम कर लेना समाहित कर लेना तो समापन संपूर्णन ये मीनिंग निकल के आता है कंज्यूमेशन का कंजूमेशन मतलब होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना संपूर्ण कर देना समापन कर देना उसको पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म करना कंज़म्पशन कंजम्पशन अभी बताया कंज्यूम करने से रिलेटेड है जितना आप चीजों का उपयोग उपभोग करते हैं खपत करते हैं वो आता है कंज़म्पशन, ठीक अच्छा नेक्स्ट वर्ड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंटेजियस पता ही होगा आपको अभी जो हम लोगों ने महामारी ये देखी है कोविड ऐसी है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है ठीक है ना तो ऐसे रोग के लिए स्पेशली सांसर्गिक मतलब किसी के संपर्क में आने से फैलने वाला संक्रामक सांसर्गिक दिस इज कॉल्ड कंटेजियस कंटेजियस हिंदी याद रखेगा सांसर्गिक संक्रामक छूत का बोलते हैं इसको छूने से फैलने वाला संपर्क में आने से फैलने वाला दैट इज कॉल्ड कंटेजियस ठीक है नेक्स्ट इज कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को पोल्यूटेड कर देना प्रदूषित कर देना या फिर संदूषण किसी चीज में मिलावट कर देना स्पेशली लिक्विड चीजों के लिए ये प्रेफर किया जाता है जैसे कंटेमिनेटेड वाटर है मतलब प्रदूषित जल हो जाता है तो प्रदूषित प्रदूषण संदूषण ये वर्ड आपको यूज करना है इसके हिंदी मीनिंग के लिए ठीक है नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अगेन कंटेपलेटेड मतलब होता है अपेक्षित जिसकी आप उम्मीद करो वो हो जाता है हमारा अपेक्षित ठीक है ना अपेक्षित मतलब होता है अगेन अपेक्षित नहीं उपेक्षित नहीं अपेकशित है अपेक्षित है अपेक्षित मतलब होता है किसी की अपेक्षा करना अपेक्षा करना मतलब होता है अवहेलना करना मतलब मानने से मना कर देना हाँ यस ये ध्यान रखिएगा कंटेम्पलेट मतलब होता है अपेक्षित किसी की अपेक्षा करना ठीक है ना अवहेलना करना और इसी मतलब से बनता है कंटेम्प से देखिए वर्ड अवमानना करना ठीक है ना सो ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा अवमानना कंटेम्प्ट को रिप्रेजेंट करता है अब अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना हो तो न्यायालय की अवमानना कि न्यायालय ने कोई बात बोली थी कि आपको ये करना है आपने नहीं किया तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कंटेम्प मतलब हो गया उसके अवमानना करना ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें वर्ड अवमानना ऐसे इसको लिखना है आपको न्यायालय की अवमानना अच्छा कंटेंट मतलब हो गया संदर्भ किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं संदर्भ में बात कर रहे हैं वो कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अगेन कंटिजेंसीज कंटिजेंसीज का मतलब होता है आकस्मिक व्यय अचानक से आ जाने वाला व्यय जो आपने प्लान नहीं किया था अचानक से कुछ ऐसा खर्चा हो गया अगर आपका कंटिजेंसीज ठीक है ना इमरजेंसी में खर्च होने वाले पैसे के लिए यूज किया जाता है कंटिंजेंसी मतलब होता है आकस्मिता मतलब जो चीजें अचानक से हो जाए अचानक होने वाली बिना प्लान के होने वाली चीजें वो आकस्मता हो गई और ऐसी चीजों पर जो खर्चा हो जाता है वो कंटिजेंसीज में आ जाता है अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों ध्यान रखिएगा देन कॉन्टीन्यूएशन सीट शीट शीट का मतलब कागज के रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है अनवर्ती लगातार होने वाली चीजें जो कॉन्टिन्यूटी में है ठीक है ना खत्म नहीं हुई है लगातार होती ही चली जा रही है अनवर्ती एंड ही नहीं हो रहा है कॉन्टिन्यू इन फोर्स इन फोर्स का मतलब होता है अपने पद पर बने रहना ठीक है ना आप कॉन्टिन्यू रहते हैं आप फोर्स पर उसका मतलब अभी आपका जो पद है वो आपसे लिया नहीं गया है अपने पद पर आप बने हुए हो आपके पास वो सारी अथॉरिटी है जो उस पद पर रहते हुए आपके पास होनी चाहिए भले ही टाइम कंप्लीट हो गया हो कुछ भी आपके हो अगर आप उस पद पर बने रहते हैं एज कंप्लीट हो गई कुछ भी है लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो कॉन्टिन्यून फोर्स बोला जाता है अच्छा कॉन्ट्रोबैंड कॉन्ट्रोबैंड का मतलब होता है निषिद्ध करना निषिद्ध का मतलब पढ़ा था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी निषिद्ध का मतलब होता है मना करना किसी चीज के ऊपर रोक लगाना किसी चीज को गलत ठहराना ये निषिद्ध मैंने ठीक है ना तो निषिद्ध विनिषिद्ध निषिद्ध पदार्थ वो चीज़ें जो मना की गई हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं यूजफुल नहीं है मना की गई है लॉ के अकॉर्डिंग मना कर दी गई हैं मोरालिटी के अकॉर्डिंग मना कर दी गई है उसको कॉन्ट्राबैक्ट कॉन्ट्रैक्ट संविदा किसी भी चीज़ को अगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा है तो संविदा के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक साइन किया है उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस संविदा सेवा हो जाता है और कॉन्ट्राडिक्ट ये देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो बात अभी आपने बोली है उसका विरोध करना मतलब अपनी ही बात के ऑपोजिट जाना या आपने कुछ बोला किसी और पर्सन ने उसके ऑपोजिट बात की आपने बोला ये सही है उसने बोला नहीं है, गलत दिस एक्चुअली ठीक कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब किसी के विरोध में कोई बात कहना किसी के ऑपोजिट कोई बात कहना अच्छा नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्ट्रवेंशन कॉन्ट्रवेंशन वर्ड अगेन उल्लंघन करना किसी के अवमान करना उल्लंघन करना का मतलब आपको आसानी से क्लियर होगा उल्लंघन करना मतलब ये रूल बनाया गया था आपने उसको नहीं माना दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कॉन्ट्रीवेंशन ठीक है ना सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सभी के सभी इनको ध्यान रखिएगा उल्लंघन एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट मतलब सहयोग करना योगदान करना या अगेन क्या करना अंशदान करना ठीक है ना कुछ डोनेट करना अपना किसी भी तरह का कोई सपोर्ट देना दैट इज एक्चुअली कॉल्ड योर कॉन्ट्रीब्यूशन सहयोग योगदान अंशदान कुछ भी लिख सकते हैं सहयोग वर्ड भी आप यहां पर लिख सकते हैं गलत नहीं होगा ये ठीक है तो ये वर्ड्स याद रखिएगा एंड अगेन लास्ट टेन वर्ड्स की बात करते हैं दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट कॉन्ट्रीब्यूट करना अगेन अंशदान करना अभी पढ़ा था सो so, कॉन्ट्रीब्यूट्री है तो अंशदायी है और प्रोविडेंट है तो वे भविष्य को रिप्रेजेंट करता है प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा भविष्य निधि खाता होता है तो अगेन प्रोविडेंट वर्ड भविष्य को रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी है तो फिर ये अगेन अंशदायी भविष्य को रिप्रेजेंट कर करे कंट्रोल नियंत्रण को शो करता है कंट्रोल करना मतलब किसी चीज़ को नियंत्रित करना यहाँ पे एक और वर्ड दे सकते हैं आपको दैट इज कर्ब, कर्ब का मतलब भी हो जाता है नियंत्रित करना अच्छा कंट्रोल चार्ट कंट्रोल मतलब पढ़ा नियंत्रण होता है चार्ट के लिए चार्ट भी लिख सकते हैं आप तालिका भी लिख सकते हैं नियंत्रण तालिका देन कन्वीन संयोजन करना बुलाना मतलब होता है अगेन किसी को इनवाइट करना बुलाना संयोजन करना किसी काम को काम के लिए पर्सन को अपने साथ जोड़ लेना बुलाना अपने साथ जोड़ने के लिए दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कन्वीन देन कन्वेंशन कन्वेंशन का मतलब अगेन परिवर्तन रूपांतरण रूपांतरण का मतलब समझ में आ रहा होगा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना रूप का बदल जाना दैट इज कॉल्ड रूपांतर ठीक है ना कन्वेंशन कन्वेंशन से ही बनता है कन्वेंशनल कन्वेंशनल मतलब होता है पहले से जो चला आ रहा है पूर्वजों के समय से चलता चला आ रहा है वो उसी के लिए रूढ़ी भी यूज किया जाता है ठीक है ना तो रूढ़ी का मतलब होता है पहले से चला आने वाला ठीक नेक्स्ट कन्वर्जन कम्युटेशन कम्युटेशन कन्वर्जन अगेन देखिए कन्वेंशन का यहां पर मीनिंग रूपांतरण दिया हुआ था यहां परिवर्तन और रूपांतरण का मीनिंग कम्यूटेशन और कन्वर्जन के सेंस में दिया हुआ है कन्वर्ट करना मतलब ही होता है परिवर्तित करना तो कन्वर्जन का मतलब भी होता है परिवर्तन रूपांतरण और कम्युनिकेशन इसका मतलब भी यूज किया गया है परिवर्तन के लिए तो इनमें से कोई भी अगर मीनिंग आपको देते हैं तो परिवर्तन रूपांतरण आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं कन्वे करना मतलब होता है पहुंचाना सूचित करना भी बोलते हैं अब जैसे सपोज करो आ, किसी पर्सन के यहाँ अगर कोई डेथ हो जाए और आपको इसके बारे में पता चले और आप बोलें कि मेरी आ, मेरी तरफ से उनको खेद प्रकट कर देना ठीक है ना ये बोल देना कि मैंने ऐसा कहा था खेत प्रकट कर देना तो वो पर्सन आपकी बात को कन्वे करेगा कन्वे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना अपनी बात पहुंचाना किसी को इनडायरेक्टली अपने आप बोल के नहीं इनडायरेक्टली किसी तरह से सूचित करना यह हो जाता है कन्वे करना अब कन्वेंस अलाउंस अलाउंस आ गया तो भत्ता आ गया और कन्वेंस आ गया तो यह सवारी को रिप्रेजेंट करता है ठीक है ना सवारी मतलब ले जाने वाला कन्वे करने वाला कन्वेंस ठीक और कन्विक्ट है तो सिद्ध दोष या दोष सिद्ध करना ठीक सिद्ध करना दोष को ब्लेम जो एलिगेशन लगाया गया है वो हो जाता है और conviction इस process को बोलते हैं कन्विक्टन मतलब आप किसी का दोष सिद्ध कर रहे हैं दोष उसके ऊपर लगाया गया उसको प्रूफ कर रहे हैं वो कहलाता है कन्विक्शन क्लियर सारे के सारे वर्ड्स ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हैं मिल सकते हैं कहीं ना कहीं वर्ड्स आपको ये काम आ सकते हैं आपके सब हिंदी वाले वर्ड स्पेशली कलेक्शन एक जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए यहाँ पर हम लोगों ने किया है अब चलते चलते अगेन इसके बाद नंबर आता है फिर से आपके होमवर्क का कुछ वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क है आपके लिए ये इंग्लिश वर्ड्स दिए जा रहे हैं आप हिंदी ढूंढिएगा हिंदी हैं इनकी इंग्लिश ढूंढिएगा इनके ऊपर कंटिन्यू करेंगे हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अफकोर्स एक बार वर्ड देख लेते हैं फिर फिनिश करते हैं पहला दिया हुआ है कन्वाय नोट देख सकते है ना कूलिंग ऑफ पीरियड अब पीरियड है तो किसी समय को रिप्रेजेंट करेगा कौन सा समय रिप्रेजेंट कर रहा है वो आप बताएंगे कोऑप्ट कोऑप्टेड -opt, मेंबर देखिए मिलते-जुलते वर्ड हैं ये कोऑर्डिनेशन ठीक है ना सिंपल वर्ड है सुना भी होगा आपने सह स्वामी सह उत्तराधिकारी प्रतिलिपि या नकल एंड कॉपीराइट रचना स्वत्व कॉपीराइट की इंग्लिश अगर आप चाहो तो कॉपीराइट भी दे सकते हो ये भी एक मीनिंग हो सकती है देखेंगे इसका आगे वीडियोस में हम लोग कि क्या इसका पर्टिकुलर मीनिंग है या इंग्लिश वर्ड है और न्यायिक अधिकार रहित ठीक है ना ये वो वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढने हैं कंटिन्यू करेंगे इनके साथ हम लोग अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए प्रैक्टिस जरूर करते चलिए मिलेंगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ थैंक यू वेरी मच